So Sri Murali, Dr. Murali Manohar Joshi, please. मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। पिछले दो दिन से इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन चर्चा कर रहा है। आफ्टर दिस नो सर लालू जी आप सीट पे नहीं थे। आई हैव कॉल्ड मुरली मनोहर जोशी जी, यू कैन स्पीक आफ्टर दिस। मैं चालू रखूं? या कल हमने सरकार की तरफ से भी लोग देखे हैं कि जमूरा अनपार्लियामेंट्री है, तो हमको भी मालूम हो गया आज के अनपार्लियामेंट्री वापस ले लें। लालू जी ने जो कुछ अभी वापस किया है, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा किया। पहले ही वापस कर लेते तो बहुत कुछ नहीं होता। साइलेंस प्लीज। मैं यहाँ श्रीमती सुषमा स्वराज जी के द्वारा और खगेन्द्र दास जी के द्वारा प्रस्तावित जो प्रस्ताव है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। कल मैंने सरकार की तरफ से श्री सिब्बल जी का भाषण सुना, जो सरकार का पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। जब वो बोल रहे थे तो मुझे अपने विश्वविद्यालय के दिनों की याद आ गई। हमारे यहाँ एक विधि विभाग के प्राध्यापक थे, प्रोफेसर के भट्टाचार्य जी। वो नेताजी सुभाष बोस के क्लास फेलो थे, बहुत वयोवृद्ध थे, बहुत ही उनकी इज्जत थी। उनसे एक बार लड़कों ने पूछा कि साहब आपने हमको पढ़ा तो दिया, पास भी हो गए, लेकिन ये बताइए कि अच्छे वकील कैसे बने। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो अध्यापक हूँ, मैंने वकालत तो की नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है कि अच्छा वकील कैसे बना जाता है वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि इफ़ यू हैव द लॉ ऑन योर साइड, हैमर द लॉ इनटू द हेड ऑफ द जज। इफ़ यू हैव फैक्ट्स ऑन योर साइड, हैमर द फैक्ट्स इनटू द हेड ऑफ द ज्यूरी। एंड इफ यू हैव नथिंग ऑन योर साइड, देन शाउट लाउडली एंड हैमर द टेबल। मुझे स्मरण हुआ कि ये वकालत का अच्छा गुर शायद इन्होंने वहीं से सीखा है। बहुत कुछ शोर किया मगर उसमें से निकला कुछ नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने सरकार का पक्ष लिया है तो उसके बारे में मैं कुछ ज़रूर कहूँगा। उसके बाद मुझे जो कुछ और कहना है वो आपके सामने निवेदन करूँगा। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये तो एक ऑप्शनल है, इनेबलिंग है, जिसको करना हो करें, न करना हो न करें, बहुत अच्छी बात है। तो फिर फर्मनेस कहाँ रही आपकी? फिर आप जो कहते हैं कि ये देश के हित के लिए बहुत अच्छा है, इसके बिना देश का हित हो ही नहीं सकता, तो फिर इसमें आप रियायतें क्यों दे रहे हैं? थोड़ा बहुत करने से भी अगर देश का हित हो रहा है तो क्यों भाई? अगर देश का हित है तो समझाइए लोगों को, बात कीजिए। यही कहा जा रहा था कि इसमें पूरी बात होनी चाहिए और उसी का नतीजा था कि आपने, आपकी सरकार के लोगों ने, उस समय के वित्त मंत्री जी ने यहाँ और वाणिज्य मंत्री जी ने दूसरे सदन में ये कहा था कि डिसीजन टू परमिट 51% FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड इज सस्पेंडेड टिल ए कॉन्सेंसस इज डेवलप थ्रू कंसल्टेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में राजनीतिक पार्टियाँ आए तो ठीक है, लेकिन किसान भी है, छोटा व्यापारी भी है, किसानी से संबंधित मजदूर भी है, वो लोग जो सारा इस FDI से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, उन सबके लोगों से बात होनी चाहिए थी, उनके प्रतिनिधि हैं उनसे बात होनी चाहिए थी। फिर क्या बात हुई वो राजनीतिक पार्टियों को बताई जानी चाहिए थी।
ऐसा कुछ नहीं किया, मगर जल्दी में आप आए और जिस दिन सारा देश विरोध कर रहा था, भारत बंद था, उस दिन आपने ऐलान किया और कहा कि चाहे जो कुछ हो जाए हम अपनी गर्दन कटा देंगे मगर FDI को ज़रूर लागू करेंगे। ठीक है, आपकी गर्दन है, आप कटवाएं, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन देश की गर्दन मत कटवाएं, देश के गरीब आदमी की हत्या मत कीजिए, देश के किसान की हत्या मत कीजिए, देश के छोटे व्यापारी की हत्या मत कीजिए। फिर आपने कुछ चर्चाएं की कि हमारे समय में हमने कुछ कहा था और हम बदल रहे हैं। भाई ये बदला बदली तो बहुत हो रही है, सभी जगह से हो रही है। अब ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है, अभी जो आपके वित्त मंत्री हैं इनसे शुरू होती है, और ये शुरू होती है अक्टूबर 1996 से, जबकि वाशिंगटन में एक इन्वेस्टर्स की मीटिंग को बोलते हुए श्री चिदंबरम ने ये कहा, इज रिपोर्टेड टू हैव कोटेड द स्टेटमेंट ही गेव एट ए मीटिंग इन लंडन ए वीक बिफोर द वाशिंगटन मीटिंग सेइंग दैट यू केम टू इंडिया एंड स्टेड फॉर 200 ईयर्स, नाउ कम प्रिपेयर टू इन्वेस्ट एंड स्टे फॉर अनदर 2 ईयर्स, 200 ईयर्स एंड देयर विल बी ह्यूज रिवार्ड्स। एक बार आप आए थे, 200 साल आपने हमको यहाँ लूटा, अब आप फिर से आइए और 200 साल यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और आपको बहुत इनाम मिलेगा, ह्यूज रिवार्ड्स मिलेंगे, एट हूज कॉस्ट, उनको इनाम मिलेंगे, हमारा क्या होगा। उसके बाद इनसे कुछ लोगों ने पूछा कि भाई आपने क्यों कहा, कैसे कहा, जवाब नहीं दिया, अगर दिया हो कोई तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में आज तक वो जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो सरकार की नीयत की शुरुआत वहाँ से होती है, और इसीलिए जैसे ही वो वित्त मंत्री बने काम फटाफट चालू, जब तक पुराने दूसरे वित्त मंत्री थे जो अब भारत के महामहिम राष्ट्रपति बन गए हैं तब तक कुछ नहीं, और जैसे ही नए सम्माननीय वित्त मंत्री आए तो एकदम पूरी सुपरफास्ट FDI इन रिटेल, अब जो भी कुछ हो। फिर आपने कुछ हमारे मैनिफेस्टोज और उस सब की बात की, हाँ ठीक है, 2002 में श्री मरुसेले मारान ने कोई नोट बनाया था, उसे रिजेक्ट कर दिया, उन्हें माना गया, शरद जी थे क्या, मैं भी था, बैठे हमने नहीं माना, किसी ने नहीं माना, कैबिनेट में उस पर विचार ही नहीं कि नहीं चलेगा। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट था 2004 के लिए उसमें भी नहीं, लेकिन जो NDA का डॉक्यूमेंट था उसमें उसका उल्लेख है। 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बना वो अंतिम है ना, उसके बाद तो कोई बना नहीं, नहीं। उस डॉक्यूमेंट में नहीं था सर, और उसमें क्या था 2009 में बता तो, उसमें क्या था मैं पढ़ के सुना देता हूँ, रिटेल ट्रेड, The BJP understands the critical importance of retail trade in the context of employment and services provided by them, and thus favors a dominant role for the unincorporated sector in retail trade. Towards this end, it will not allow foreign investment in the retail sector. I repeat, it will not allow foreign investment in the retail sector. After agriculture, the retail sector is the largest employer of nearly 4 crore people. अब उसको आपने कहा, आप सवाल कर रहे हैं नेता विरोधी पल से कि आप कहाँ से लाएंगे वहाँ, आप लाना चाहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप लाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, नहीं हमने कभी नहीं कहा, आपने कहा ना कि अब आप कहाँ से लाएंगे इसमें, आप पूछते हैं कि So you have said that you favor a dominant role of unincorporated sector in retail trade and allow foreign investment in the unincorporated sector. Come kahin nahi. Ye aap hamare manifesto mein apni bhavna kyon rakh rahe hain? Yahi wakalat ka karishma. If you have nothing on your side, shout loudly. Kya diya? Khoob chalao. Bhai isse sach nahi hota. Acha phir humne kabhi nahi kaha ye. Phir aap kehte hain ki jab aapne 2004 mein nirnay liya aur 2009 mein badla, आप बताइए कि क्यों बदला और कैसे बदला और किस वजह से बदला।
हम बता देंगे हमने क्यों बदला, मगर पहले आप बताइए कि आपने क्यों बदला। आपके श्री प्रिय रंजन दास मुंशी जो चीफ व्हिप थे, उन्होंने सदन में कहा लोकसभा में 2002 में ही, देयरफॉर आई कोट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू यू एज इट इज अलेज्ड दैट द मल्टीनेशनल रिटेलर्स थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स आर कंटिन्यूसली पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू टेक एन एंटी नेशनल डिसीजन ऑन अलाउिंग फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द रिटेल। यानी वो थ्रू ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर कर रहे हैं। ये भी श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो एक एंटी नेशनल काम करें, यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी भी एंटी नेशनल काम में शामिल। कितना बड़ा आरोप, क्या ये सच है? मैं नहीं समझता कि कोई देशभक्त, कोई भी स्वाभिमानी ब्यूरोक्रेसी या कोई भी राजनीतिक इस बात को स्वीकार करे। और अगर ये एंटी नेशनल एक्ट तब था तो अब नेशनल कैसे हो गया? ये आप क्यों बदल दिए? आप कैसे बदले? आप एंटी नेशनल से नेशनल हो रहे हैं, हम भी नेशनल हो रहे हैं। हम तो नेशनल हैं ही पहले से, हम को समझ में आया। और आज पूरे तौर पर हम कहते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत चर्चा हमारे यहाँ उसमें एनडीए के डॉक्यूमेंट में है, हम समझ गए कि वो भी नहीं होनी चाहिए, वो गलत थी। लेकिन आप अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? अपनी गलती तो मानिए। हम कहते हैं कि एफडीआई को मल्टी ब्रांड रिटेल में लाना बहुत गलत काम है, हमको समझ में आया। और हमने खुले कहा, मैनिफेस्टो में कहा कि हम नहीं चाहते इसको। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप जरा इसको समझें और देखें कि आपकी पार्टी का क्या रुख। आप ही ने कहा एंटी नेशनल एक्टिविटी थी साहब, अब कैसे नेशनल हो गई ये? और 2200 साल तक आप पहले आए थे हिंदुस्तान में, आपने राज किया, आपने खूब पैसे बनाए, और अब आप फिर से आइए और फिर से हिंदुस्तान को लूटिए। तब तो अकेली एक आई थी, अब तो सही कई आएंगे, वॉलमार्ट भी आएगी। हाँ, अब तो ईस्ट नहीं कह रहे, वेस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, और वो कंपनी थी, ये कंपनीज। तो ये इसको समझ के देखिए कि ये आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं कि कुछ आपने बंगाल का हिसाब किया, और आपने जो बात कही वो बहुत ही खतरनाक है। जो अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत चिंता है। आप ये कह रहे हैं कि पहले जो फार्मर्स थे उसके साथ बहुत ज़्यादा अब बढ़ गए हैं संख्या। पहले पेप्सिको का पहले 1800 फार्मर्स के साथ समझौता था, लेकिन अब 10,000 फार्मर्स हो गए हैं। वर्ष 2008 में 1800 फार्मर्स थे, लेकिन अब 10,000 फार्मर्स के साथ उनका समझौता है। जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो 2011 में 5,500 एकड़ था, आज वो 7,000 एकड़ है। इतनी ज़मीन इस मल्टीनेशनल के हाथ में जा रही है। ये इसको कहते हैं मोनोपोली फार्मिंग, इसको कहते हैं सारे किसानों को अपने कब्जे में कर लेना। जो पहले 1800 किसानों को उन्होंने फंसाया, अब 10,000 किसानों को फंसा। क्यों? यही उनकी नीति है। अगर आप उनकी व्यापारिक नीतियों को समझेंगे तो उसमें यही हुआ करता है, उसका तरीका यही है। फिर आपने कहा था कि साहब वो आए वहाँ चाइना में और 18 साल तक घाटा सहते रहे। कितनी उनकी ताकत है आर्थिक, समझ लीजिए कि 18 साल तक घाटा सहने के बाद वो आज भी चाइना में डटे हुए हैं और अब मुनाफा कमा रहे हैं। 18 साल में उन्होंने तमाम सारी चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीज़ों पर कब्ज़ा किया और उसके व्यापार पर कब्ज़ा किया, और अब वो मुनाफा कमाएंगे, डिवस्टेट कर दिया। वरना कौन ऐसी कंपनी होंगी जो 18 साल तक निरंतर घाटा सहेगी? क्यों सहेगी साहब? क्या वजह है? क्या वो बड़े उपकारी हैं? क्या चीन के लिए उनको बड़ी बहुत आ गई है, स्नेह आ गया है, बड़ा प्यार आ गया है कि चीन वालों हमदर्दी आ गई है कि हम चीन की बड़ी मदद करेंगे? जी नहीं, उनको वहाँ से सस्ता सामान लेकर अमेरिका को आउटसोर्स करना, आज वो हो रहा है। आज 6,000 ऐसी यूनिट्स हैं वहाँ जो 80% वॉलमार्ट का सारा सामान बना रहे हैं, और इन 6,000 यूनिट्स को कब्जा लाने में उन्हें 18 साल लगे। घाटा हुआ होगा, हुआ होगा, लेकिन चीन की इन 6,000 यूनिट से वो अपना 80% सामान बनवा रहे हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। यही प्रीडेटर कहलाते हैं, यही वो पॉलिसी है कि पहले सबको नष्ट कर दो और उसके बाद फिर आराम से मुनाफा कमाओ।
ऐसा नहीं है, आप बड़े इत्मीनान से यूं सिर हिला रहे हैं, कुछ दिनों में ये सिर यूं हिलने लगेगा। आपको आप वो कह रहे थे ना कि कोई दवाई ऐसी दीजिए कि हमें समझ आ जाए, मुझे समझता है कि शायद दवाई आपको ऐसी मिलनी चाहिए कि जरा सिर रख के सोचे, इसको जरा स्थिर, सिर को दिमाग को ठंडा स्थिर, और बहुत ज्यादा वॉलमार्ट की मदद में मत बैठे रहिए, देश की तरफ देखिए। वो कह रहे थे ना कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हम देश की तरफ देख रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ आपसे कहना कि आप देश की तरफ देखिए, आप आम जनता की तरफ देखिए। वो मुलायम सिंह जी ने कल कहा था किसान की तरफ देखिए, शरद जी ने कहा था किसान की तरफ देखिए, मजदूर की तरफ देखिए। मैं आपको बताऊंगा आपके क्या क्या नुकसान आप करने वाले हैं इस वक्त। फिर आपने ये कहा कि साहब उसमें हिंदुस्तान में 35-40% सामान खराब हो जाता है। अब मेरे पास इनकी सरकारी कमेटी की रिपोर्ट, वेस्टेज हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस परसेंटेज ऑफ सीरियल्स एट नेशनल लेवल, पैडी ओवरऑल लॉस 5.2, 60, मेज 4.1, बाजरा 4.8, सोरगम 3.9, पिजन पी 5.4, चिक पी 4.3, ब्लैक ग्राम 6.1, ग्रीन ग्राम 5.5, मस्टर्ड 8.9, कॉटन सीड 2.8, सोयाबीन 6.2, सनफ्लावर 3.7, सनफ्लावर 4.5, ग्राउंड नट 10.1, एप्पल 12.3, बनाना 6.6, साइट्रस 6.3, ग्रेप्स 8.3, ग्वावा 18, मैंगो 12.7, पपैया 7.4, सपोता 5.8, कैबेज 6.9, कॉलीफ्लावर 6.8, हाँ जी, ग्रीन पी 10.3, मशरूम 12.5, अनियन 7.5, पोटेटो 9.0, टोपियोका 9.8, आर्केनट 7.9, कैशूनट 1.1, कोकोनट 5.4, शुगर केन 8.7, ब्लैक पेपर 3.9, चिली 5.6, कोरिएंडर 7.3, टर्मेरिक 7.4, एग्स 6.6, सरकारी इनलैंड फिश 6.9, मैराइन फिश 2.9, मीट 2.3, पोल्ट्री मीट 3.7, मिल्क 0.8, जैगरी एंड कंसारी 1.8। ये सब कहा गया और ये आपकी पोजीशन रिपोर्टेड इन जनवरी 31, 2012, बहुत सारी बातें इसमें आई हैं, अनाउंसमेंट आपकी हुआ है। खैर, लेकिन ये 30-40-50% वेस्टेज कहाँ होता है? 31 जनवरी 2012 का है जी। ये कहाँ होता है, किस जगह होता है? हाँ, होता है जब आप वॉलमार्ट के पास सामान लेके जाते हैं, जो उसके ग्रेडेशन के मुताबिक नहीं आता वो निकाल देता है, वो उसके यहाँ नुकसान होता है। उनके यहाँ 30-40% नुकसान है, वो मानते हैं। मैंने कहा भाई आपके यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं होता। आप ज़बरदस्ती इस किसान को ये बता रहे हैं कि तेरा 30-40% नुकसान हो रहा है और तू जा वॉलमार्ट के पास, तुझे वहाँ नुकसान नहीं होगा। क्या बात हो रही है, आप ही की रिपोर्ट है साहब। तो जी, ये कौन सा किस जगह ये होता है, यानी समझ में नहीं आ रहा तो चुपचाप सुनो। अच्छा, फिर ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर ऑर्डर। उसका जवाब ये देंगे? यस, इसका जवाब मुझे नहीं देना, प्लीज प्लीज जवाब ये देंगे। अच्छा साहब, अब आप ये देखिए कि ये मेरे पास खत आया था फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने इस पे लॉसेस के बारे में पूरे आंकड़े दिए जो इन्होंने रिसर्च कराई उसके आधार पर। ऑन ए मोर डिटेल स्टडी वी फाउंड दैट दीज आर मिथ्स क्रिएटेड बाय ए फ्यू एमएनसी रिटेलर्स लाइक वॉलमार्ट, टेस्को, मेट्रो जीएमबीएच, कैरीफोर, हु आर वेरी कीन टू सेट अप शॉप्स इन इंडिया। इन द फर्स्ट प्लेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज 40% फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स as propagated by the government of India, repeatedly mentioned by the Prime Minister and the Honorable Commerce Ministers with his shaking head, are absolutely incorrect. The Fruit and Vegetable Merchants Association, who are FAM members,
had already written to the ministry in the year 2008, giving them the actual figures, which were around 5+ to 7%. In any case, a detailed study commissioned by the Government of India at the request of Parliamentary Standing Committee and conducted by Central Institute of Post-Harvest Engineers and Technology, Punjab, the wastage of fruits and vegetables is only between 6 to 18%. वो भी सेव में मैंने पढ़ के सुनाया. This is the report of the official committee. The Government of India is deliberately not disclosing the report at this juncture. खूब हल्ला मचाओ, 40% नुकसान है, 40% नुकसान है. उसके बाद खूब टेबल थपथपाओ कि 40% नुकसान है और समझ लो कि हिंदुस्तान में 40% नुकसान हो गया. और उसके बाद वॉलमार्ट आएगा और नुकसान आपका घटा देगा. फिर आप देखिए कि बार बार ये कहा जाता है कि इसको बहुत पैसा मिलेगा, किसान जो उसकी लागत है उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा और बढ़िया पैसा मिलेगा. अब पहले तो मैं अमेरिका का बता दूँ आपको, शेयर ऑफ कंज्यूमर यूएस एक्सपीरियंस, फार्म वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ रिटेल प्राइस फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फूड्स 1987 एंड 1997. 10 साल में क्या फ़र्क हुआ. 1987 में मीट में 47% ऑफ रिटेल प्राइस का हिस्सा जाता था, अब वो 1997 में 37 हो गया. डेयरी में 42 से घट के 32 हो गया. पोल्ट्री में 45 से घट के 41 हो गया. एग्स में 54 से घट के 46 हो गया. क्रॉप प्रोडक्ट्स में, फ्रेश फ्रूट्स में 26 से घट के 18 हो गया. फ्रेश वेजिटेबल्स में 31 से घट के 21 हो गया. और शेयर ऑफ टॉप 20 रिटेलर्स, ये जितने भी ये आप जिन जिन की बड़ी वकालत कर रहे हैं, उनका शेयर 1987 में 39.2 था, जो बढ़ के 1998 में 50.3 हो गया. 50% मार्केट कब्जा कर लिया और हर एक को जो किसान को मिलना चाहिए था, कंज्यूमर को मिलना चाहिए था, वो घट गया. फैक्चुअल डेटा फ्रॉम यूके रिगार्डिंग द फार्मर्स शेयर इन द फाइनल प्राइस. द कंपटीशन कमीशन यूके स्टडी ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सुपरमार्केट्स कंडक्टेड इन 2008 इंडिकेट्स द फार्मर्स शेयर ऑफ फाइनल कंज्यूमर प्राइसेस इन परसेंटेज आर एज अंडर. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स 1996 में 39 था, 2006 में 35 हो गया. फ्रूट्स, एप्पल्स एंड पियर्स में 1996 में किसान को 35% मिलता था, अब 25 मिल रहा है. मीट एंड पोर्क में 59 मिलता था, 47 हो गया. मार्केट शेयर ऑफ द टॉप फोर रिटेलर्स जो 53% था, वो बढ़ के 65%. समझा? ज़रा स्थिर रखिए, ठीक मस्तिष्क को सीधा रखिए, हाँ, और वो दवाई खाइए जो बुद्धि देती है, जो आपके लोग वो कर रहे थे. हाँ, मछली की आँख पर मार पाओगे सीधा. अब अभी अभी सब सभी अभी जो शुरू हुआ है आप देखते रहिए. ये भी बताते हैं, बड़ा समझ आ रहा है. बताते हैं अभी, बताते हैं मछली भिजवा दीजिए. अभी अभी बढ़िया से समझ लो. अब आप देखिए, अभी समझो. बहुत सिब्बल साहब, जवाब तो उनको देना है ना. आप सिब्बल साहब तो अपने बोल के चल दिए. सिब्बल साहब को तो अब जवाब देना है, जवाब देने दो. अब आप देखिए साहब, फार्मर्स प्राइस, मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या हाल है. अब जरा हमारे यहाँ का जो सबसे अच्छा मॉडल है अमूल, जो सीधे आदमी को और उपभोक्ता के बीच में किसी बिचौलियों के नहीं रखता, उसका हाल देखिए क्या है. द सो कॉल्ड एफिशिएंसी बेनिफिट्स, यानी मल्टीनेशनल्स के लिए कह रहे हैं वो, ओनली द लार्ज रिटेलर्स एज दे कॉन्स्टेंटली ड्राइव डाउन द प्राइसेस. एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क द यूएसए, मिल्क प्रोड्यूसर्स गेट ओनली 38% शेयर ऑफ द कंज्यूमर्स डॉलर स्पेंट ऑन मिल्क. अगर $1 दूध में उसने खर्च किया है कंज्यूमर ने, तो किसान को 38 सेंट मिल रहे हैं. इसी तरह से ये बिचौलिया खा रहा है. हाँ, वो कौन खा रहा है तो यही जानते हैं. द यूके, वो वॉलमार्ट ला रहा है जिससे वो लॉबिंग करता है. द यूके प्रोड्यूसर ओनली गेट्स अबाउट 36% एज कंपेयर टू द इंडियन मिल्क प्रोड्यूसर गेट्स मोर देन 78%. ये देखिए, यूएसए में शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इज 85%, फार्मर शेयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इज 38%. यूके में शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल इज 80%, फार्मर शेयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इज 36%, फ्रांस 42%, जर्मनी 46%, जापान 41%,
मलेशिया 30%, इंडिया शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इज 4 एंड द शेयर ऑफ द फार्मर इज 70. दो अमूल अमूल दे रहा है, कहाँ बिचौलिया? ये अगर ऐसे बिचौलिए जैसे अमूल कर रहा है ऐसे हो तो देश का कल्याण तो कहाँ कहाँ आप, यानी आप कहीं तो कोई तो बात सच कही है कि फिर वही है कि हैमर शाउट मोर एंड मोर एंड हैमर द टेबल. बार बार थपथपाई करो, बार बार सल्ला मचाओ, तड़क तड़क के बोलो कहाँ हैं सुषमा जी, कहाँ हैं बताएं. सुषमा जी यहाँ बैठी और हम भी यहीं बैठे. वो बात अलग है, कुछ दिनों में वो परिवर्तन की बात कर रहे थे ना जयंत, तब होगा उसकी बात करूँगा जब वो बोल रहे. अच्छा साहब, अब आप ये क्या क्या बातें हमको बता रहे हैं वो मैं तो पहले तो अभी ज़रा मैं इनके भाषण को देख लूँ, फिर उसके बाद बाकी आऊँगा. फिर कहते हैं कि हाँ कि आप ये कह रहे हैं कि इन सबके द्वारा नौकरियाँ मिलेंगी. नौकरियों का भी जिक्र अभी करूँगा, कितनी मिलेंगी और कैसे मिलेंगी और कहाँ से मिलेंगी. हम आप कहते हैं, आप कहते हैं सुषमा जी के लिए कहते हैं, आप कहती हैं कि फार्मर को क्या फायदा होगा. तो सिब्बल साहब कहते हैं मैंने बता दिया है कि पैसा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा. फिर कहते हैं टाइम से मिलेगा, उसका भी किस्सा बता दूं आप. द यूजुअल क्रेडिट पीरियड इज 90 days, 3 months. In India, the maximum credit offered by most players is 1 week. जी जी. फिर वो कहते हैं ये अब ये सब मल्टीनेशनल के जो तरीके हैं जो इनको बहुत पसंद हैं वो ये. फिर कहते हैं पैसा टाइम से मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा. कमीशन ख़त्म हो जाएगा, नए 4 कमीशन वाले आएंगे इसमें. मैं आगे बताऊंगा वो कौन कौन से होंगे और कितना कमीशन खाते हैं और मार्कअप कितना है और किस तरह से 9 गुना और 10 गुना दाम हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी प्रोड्यूसर से लेके वो कंज्यूमर को बेचते हैं. फिर कहते हैं किसान के लिए टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है. मुलायम सिंह जी, किसान को बताया जाएगा बल्टी वॉलमार्ट आके कि कैसे बोना है, कैसे बोना है, खेत में बोनी कैसे की जाएगी, बीज कैसे डाला जाएगा, ऊपर से डाला जाएगा कि नीचे से डाला जाएगा. का किसान सवेरे अंगूठा से बता देता है बोने का जमीन है या नहीं. उनको बताइए, उनको मशीन की जरूरत नहीं है. उनको बताइए वो कह रहे हैं, उनको बताइए. हिंदुस्तान का किसान 5,000 साल पहले जिस ढंग से खेती करता था, विदेशी वैज्ञानिकों को उसका पता अभी 1 शताब्दी पहले लगा है. हमारे यहाँ पूरा का पूरा खेत आर्कियोलॉजी वालों ने खोद के निकाला, जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोद रहे थे तो पूरा खेत उसके अंदर निकला, पूरा खेत उसमें निकला है जुता हुआ आज मिल रहा है. उसमें वैसे ही लाइनें खिंची हुई हैं जैसी आज का किसान. उसमें एक साथ एक खेत में 2 फसल बोई जाती है, एक साथ सरसों भी बोई जाती है और गेहूँ भी बोया जाती है. ये नहीं जानते लोग, इनको क्या पता चांदनी चौक में. हाँ, चांदनी चौक में खेती नहीं होती है, चांदनी चौक में खेती नहीं होती है. वो सुप्रीम कोर्ट में खेती करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में इनको नहीं खेती नहीं. सुप्रीम कोर्ट में खेती करते हैं. शाउट 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 लॉन जानते हैं, घास जानते हैं. सुन अब जरा, सुन चना और सरसों की साथ चने साथ सरसों गेहूं सरसों चना सरसों और उसी तरह से बोया जा रहा है जैसा आज का वैज्ञानिक देख के आश्चर्य में है कि भाई ये इनको आज से 5,000 साल पहले ये कैसे पता था कि सूर्य की किरणें किधर से घूम रही हैं और कैसे पड़ रही हैं और फसल कैसे हो रही है. रखा है खेत सामने है, आर्कियोलॉजी की किताबों में है, पढ़ाया जा रहा है बच्चों को. आप भी पढ़ लें उसे तो अच्छा रहेगा. फिर कहते हैं कि साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी कि कैसे बोना है, कब बोना है. यह किसान को अमेरिकन वॉलमार्ट बताएगा कि कब बोना है, गेहूं जुलाई में बोना है कि जनवरी में बोना है. वो बताएगा आगे कि अक्सर नवंबर में बोना है. कब बोना है भाई बताइए. आगे बतला देते थे. हाँ, और कितना पानी देना और कितनी खाद देनी. और फिर कहते हैं वेस्ट नहीं होगा, उसका एक श्योर बायर है, उसका बायर पक्का हो गया है और उसका एक समझौता हो गया है, प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट. यही तो करते हैं वो.
इसी के बहाने इसी के रास्ते तो वो सारे किसान को चूस रहे हैं, प्री प्राइसिंग, ये इस दाम पर देना पड़ेगा, नहीं देना है तो घर जाओ, हम नहीं खरीदेंगे। पहले 1800 किसानों से कहा, फिर अब 10,000 किसानों से कह रहे हैं कि इस दाम पर देना हो तो दो, नहीं खरीद। वास्ट ट्रैक्स ऑफ लैंड, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब कहीं ये वॉलमार्ट आएगा, जब कहीं ये मल्टीनेशनल्स आएंगी जो एग्री बिजनेस में होंगी, छोटा किसान को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दीज कॉरपोरेट हाउसेज, द कॉरपोरेट फार्मिंग एंड माई दिस स्मॉल फार्मर कैनॉट को एग्जिस्ट। देवेगौड़ा जी, वो नहीं बचेगा, कर्नाटक का छोटा रैयत बचेगा नहीं। शरद जी, बिहार तो सबसे ज़्यादा मार्जिनल छोटा किसान है, कोई बचेगा नहीं। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश, लालू जी के यहाँ तो, हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आंकड़ों से बोल, बिल्कुल आप मेरे से ज़्यादातर सहमत रहते हैं, मगर वोट के वक्त जरा उधर हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। हर वक्त सहमत रहिए हम आपके साथ, अरे ऐसे सहमत रहोगे तो किसी दिन उधर ऊंची गद्दी पर बैठोगे। नहीं नहीं, हम तो लेंगे आप। अब साहब ये कहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि कौन की बात पूछी और किसान से पूछा गया कि तुझे इतना मिलता है बाजार में तो इतना दाम है। सही बात है, ये आपका जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग वाला है यही करता है। और आपका क्या ख्याल है कि वॉलमार्ट सस्ता देता है? वॉलमार्ट तो और भी ज़्यादा महंगा देता है, वो भी रिपोर्ट्स आपको दूंगा जो दुनिया भर में ये कर रहा है। फिर वो आप कहते हैं हमसे कि मिस्टर येचुरी और हम एक साथ बैठ गए। अरे साहब, ये मसला तो ऐसा है सिब्बल साहब, आपको भी हमारे साथ बैठना चाहिए। येचुरी क्यों? आप जब हमारे, मैंने माना, आप जिस वक्त, अरे आप जिस वक्त इधर आएंगे, जब आप इस वक्त जिस वक्त इधर आएंगे तो ये उधर हो ही जाएगा। वो तो जयंत ने कहा है ना कि परिवर्तन होगा, वो तो उसने कहा है, नौजवान वो परिवर्तन के साथ है, हम उस परिवर्तन के पैरोकार हैं। नौजवान, तुझे परिवर्तन के साथ लेके जाएंगे। कहाँ तू इस बदबू में पड़ा है? आ परिवर्तन के साथ, आ किसान के साथ, आ अपने बाबा जी की तरह, स्वर्गीय बाबू चौधरी चरण सिंह जी की तरह से। सही बात, वो थे किसान के साथ, कहाँ तुम इनके साथ चले गए? उनके साथ आओ। उन्होंने मल्टीनेशनल्स का विरोध किया था, और वो अकेले राजनेता थे जो चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े थे, हार गए, वो बात अलग है। मुलायम सिंह जी, हाँ तो विरोध में लड़े, क्या बात आप, आओ ना परिवर्तन, हम दिखाएंगे तुम्हें कैसा होता है, चंद्रमा और मंगल तक ले जाएंगे, क्या बात करते हो, हाँ आओ, हम नौजवानों के लिए परिवर्तन के पैरोकार। कहाँ चले गए? तो अच्छा साहब, आप फिर आप कह रहे हैं इसमें जनसंख्या के बारे में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो वॉलमार्ट में, मॉल में अनाज पैदा नहीं होता, अनाज तो खेत में पैदा। इनका ख्याल यह है कि वॉलमार्ट के यहाँ जो पैकेज में बना रहता है वहीं अनाज पैदा होता है, नहीं वहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं होता, अनाज खेत में पैदा होता है। और खेत किसान जो होता है, खेत के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो, अब देखिए हमारे वाणिज्य मंत्री जी बड़े गंभीर हो गए हैं, मैं चाहता हूँ आप गंभीर रहें। हाँ, आज अच्छा लग रहा है इस समय जब आप गंभीर हो गए, सोचिए इन सब। अच्छा साहब, अब आप कहते हैं कि कंपटीशन होगा, ये मैं आपको बता दूं कि ये कभी कंपटीशन होने नहीं देंगे, ये कंपटीशन को ध्वस्त करके आते हैं। हमारा बाजार सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, गांव से लेके शहर, और इतना कॉम्पिटिटिव है कि वो सिर्फ बारदाने पे काम कर लेता है। बारदाना आप समझते हैं ना, लालू जी तो समझते हैं, यानी जो बैग जिसमें सामान आता है वो उसके लिए, उस पर सिर्फ 100 बोरे बेचकर, अनाज 100 बोरे बेच देगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन 100 बोरे का दाम, दैट इज हमारा तो लीस्ट कॉस्ट का आदमी, बेस्ट दुनिया में सबसे अधिक और सबसे टिकाऊ अगर कोई व्यापार का सिस्टम है तो वो हिंदुस्तान।
अब आपने ठीक से रिलाया, मतलब आप बाहर वाले से प्रभावित हैं। कोई सिस्टम मुझे ऐसा बता दीजिए दुनिया में कि जिसमें पहाड़ की ऊंची चोटी पे और रेगिस्तान के हिंगुलाज जैसे मंदिर में, जब हिंगुलाज हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान का व्यापारी बैठा हुआ है, क्या मुनाफा था उसे? उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ पर, आपके जम्मू कश्मीर में कहां तक जाता है दुकानदार? सब जगह पहुंच जाता है, क्या मुनाफा पाता है? वहां वालमार्ट नहीं जाएगा, वो तो हमको आपको ही करना पड़ेगा। वालमार्ट जैसे फॉरेन बैंक्स आए ना, वो कहीं गांव में नहीं गए, ऐसे ही वालमार्ट छपरा नहीं जाएगा लालू जी, ये रहेगा यही, ज्यादा से ज्यादा पटना, बहुत मुजफ्फरपुर, और कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, मधेपुरा भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको समझिए कुछ, तो क्या मोदी जी का है, क्या कहना? अच्छा बोलते। अब आप देखिए किसमें फट गए, अरे वो बताना पड़ता है, इनको वकील लोग हैं उधर। मुरली मनोहर जोशी जी, अब आपका समय समाप्त हो गया। अभी तो शुरू हुआ है। ऐसे नहीं, समय के अनुसार ही हमें चलाना होता है, इसमें आप नाराज होइएगा तो कैसे हो जाएगा बताइए। नहीं, समय के अनुसार ही चलाना है ना हमें। नहीं नाराज नहीं होते इस बात पर, नहीं कि नाराज नहीं होते, अभी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अब समय समाप्त हो गया है। आप वो आमदनी किसानों की बढ़ाने की बात कर लो, वो किसानों की दुर्दशा और होगी, किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। दुनिया के धनी देशों के किसानों को बड़ी मात्रा में सब्सिडाइज किया जा रहा है, उसकी पूरी तादाद बताई गई है। तो आप किसान की सब्सिडी खत्म करने को, ये मत करिए, आप किसान को यहाँ बढ़ाइए, वॉलमार्ट को मत बढ़ाइए। आपको मैं एक और बहुत बड़े आर्थिक विचारक की बात कहता हूँ, श्री स्टिग्लिट्स की, जोसेफ स्टिग्लिट्स, ये क्लिंटन साहब के सलाहकार थे, नोबेल लॉरिएट हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF से के बहुत दिनों तक सलाहकार रहे। वो कहते हैं, व्हाई शुड यू इम्पोर्ट द वॉलमार्ट कल्चर, नॉट ओनली वॉलमार्ट एज ए शॉप बट वॉलमार्ट एज ए कल्चर। पढ़िए उनको, वो कहते हैं, इंडिया इज़ फेमस फॉर बीइंग द लैंड विद द हाईएस्ट पर कैपिटा ऑफ बिलियनेयर्स, स्ट्राइकिंग फॉर एन एवरेज कंट्री विद सो मेनी पुअर पीपल। कहता है कि ये क्या गड़बड़ हो रही है इस देश में, इतने बिलियनेयर हैं लेकिन इतने लोग गरीब क्यों हैं? देयर इज दैट ह्यूज डिवाइड नाउ फ्रॉम द वेरी टॉप दैट इज नो लॉन्गर क्लास बेस्ड बट मनी बेस्ड, ए रीडिफाइनिंग ऑफ डिविजन्स विद इन सोसाइटीज। आप बोल रहे थे ना दो बार। फिर कहता है, वी हैव चेंज द रूल्स ऑफ द गेम टू गिव मोर वेट टू मनीड इंटरेस्ट जस्ट एट द टाइम व्हेन इनइक्वालिटी इज ग्रोइंग। US firms planning to set up nuclear plants should bear all the liability, but they don't do that even in the US, state subsidies protect them. Phir kehta hai, India has a large talented entrepreneur class and lots of savings and wealth. Why should it need foreign entrepreneurs in any sector? Kisi bhi sector mein isko ab aap samapt kar dijiye, please samapt kariye, bahut mahatvapurna hai, to manage, bahut mahatvapurna hai, bahut mahatvapurna baat hai, aur ispe ispe isme nahi, mera anurodh hai aapse, main kabhi karta nahi. I know it is a very unpleasant job, I have to regulate the time but I can't help it. bahut mahatvapurna baat hai, desh ka bhavishya bada hua hai, theek hai. Corruption scandals have a resonance as people know the power of money. Money begets money and it begets via the political process. आप वो क्यों करना चाहते हैं? एक इस ऊँट को, वो जो प्रोवर्बियल ऊँट था ना अरब सौदागर के, उसमें ऊँट घुस गया था, पहले सिर फिर ये फिर बाद में पूरा, ये वॉलमार्ट इसी तरह का है, पहले एक ऊँट आएगा फिर सारे के सारे चले जाएंगे। और अंत में एक बात दो बात और कहता हूँ कि पहली बात यह है कि आप कहते हैं किसान के साथ हैं कि किसके साथ हैं, हम किसान के साथ, हम मजदूर के साथ, हम गरीब नौजवान के साथ, हम नौजवानों के रोजगार के साथ देंगे, वो देना चाहते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी के भी पक्के समर्थक हैं, और हम रिटेल डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम रिटेल डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, हम वॉलमार्ट की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, हम फॉरेन कैपिटल की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, हम इंडियन
रिटेल की डेमोक्रेसी चाहते हैं। अगर ये व्यापारी आज़ाद है, किसान आज़ाद है, तो इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी, और अगर ये गुलाम हो गया वालमार्ट का, तो इस देश में उनकी डिक्टेटरशिप आएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं खत्म कर रहा हूँ। एक मिनट में आप खुद ही बैठ जाइए, खुद ही बैठ जाइए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको टोकना, एक मिनट में बैठ जाइए। और ये कंपनियां हैं, दे आर हाईली करप्ट, ये करप्शन पूरे दुनिया में फैला रही हैं और हमारे देश में भी फैला रही हैं। और इसके लिए आपने बताया उन्होंने कि कितने लोगों को उन्होंने यहाँ सजा दी है, लेकिन ये यहाँ ही नहीं, ये मेक्सिको में और जगह घुसखोरी के लिए मुकदमे चल रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं इनके ऊपर, एक कंपनी पर नहीं, अनेक कंपनी। इनका तो सिद्धांत है कि चाहे जैसे भी हो लूटो, खाओ, गरीब देशों में और घुसो, उनके बाजारों पर कब्जा करो। हिंदुस्तान का रिटेल बाजार अपने आप में बहुत सक्षम है, लाखों करोड़ रुपए का है व्यापार, 8-10% की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सरकार की मेहरबानी से नहीं है, ये हिंदुस्तान के नौजवान की हिम्मत और मेहनत से है। वो आपको आकर के वरना आपको खटखटा सकता था, ऑक्यूपाई द वॉल स्ट्रीट की तरह से वो ऑक्यूपाई द पार्लियामेंट स्ट्रीट कर सकता था, उसने वो नहीं किया, और उसने अपने कंधों पर अपने पेट पालने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए रास्ता चुना है। आप उसे ख़त्म नहीं कर सकते, अगर आप कोशिश भी करेंगे तो हम जितने लोग यहाँ हैं उसे ख़त्म नहीं होने देंगे, वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। न हिंदुस्तान का किसान, न हिंदुस्तान का मजदूर, न हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, और न हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज अंडरस्टैंड माय कंपल्शन, जस्ट प्लीज यू फिनिश ऑन दिस, इज अ वेरी नाइस एंडिंग। मैं उसे खत्म कर रहा हूं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बहुत हाथ जोड़कर भगवान के वास्ते, बस हो गया। अब लालू जी आपकी बारी है। देश के सभी हितों का ध्यान में रखेंगे, आप संक्षेप में देश के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने ये हरकत की कि इस देश में फिर से कॉरपोरेट गुलामी विदेशों की लाई जाए, तो देश आपको भी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी हालत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक मैडम, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये हमारे ही हाथ में है, आपके हाथ में नहीं, निकल गया आपके हाथ से, आपके हाथ से निकल गया, आपका हाथ तो वो केजरीवाल ने छीन लिया, आपके पास क्या बचा? चाइना चले जाएंगे। मैडम, भारतीय नेता